तो हेलो गाइस, क्या हालचाल बड़े सब। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं GTA 5। और गाइस आज का जो अपना चैलेंज है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इतना ज्यादा खतरनाक है कि आपने कभी भाई सोची ना होगी। तो गाइस फटाफट से बात करी जाए आज के अपने चैलेंज की। तो गाइस आज का अपना चैलेंज रहने वाला है स्पाइक प्लस स्पीड बम्प चैलेंज। तो गाइस आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे जो अपने स्पीड बम्प थे ये डेंजरस वाले, इनको भाई कन्वर्ट कर दिया स्पाइक में। आई मीन जो इनके स्पाइक मतलब पहले भी थे, पर हुआ क्या था कि उस वाली वीडियो में मैंने ये इनके जो स्पाइक थे ना वो एक्टिवेट नहीं करे थे। इस वाली वीडियो में इसके स्पाइक है वो एक्टिवेट हो चुके हैं, और स्पाइक से होने ये वाला है कि अपनी गाड़ी अगर इसके ऊपर से गुजरती है ना तो उनके जो टायर है ना वो पंचर हो जाएंगे। तो गाइस आज अपनी इंडियंस कार को भाई इन सारे स्पाइक मतलब जो स्पीड बम बने स्पाइक वाले इनको पार करके भाई अपना इस फिनिश पॉइंट तक पहुंचना है। तो गाइस देखते हैं यार आज का इतना खतरनाक चैलेंज अपनी कौन कौन सी इंडियन कार कंप्लीट करने वाली है। तो गाइस स्टार्टिंग करते हैं यार अपनी टाटा सफारी 2021 वाली से, और देखते हैं नई वाली टाटा सफारी यहाँ पे पार कर पाएगी क्या इन स्पाइक्स वाले स्पीड बम को। तो गाइस आप लोग देख सकते हो गाड़ी के टायर पंचर हो चुके हैं, और गाइस भाई अब तो बहुत मुश्किल है यहाँ पे पार करना इतने सारे स्पीड बम को, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आप देख सकते हो तो गाड़ी के टायर पंचर हो चुके हैं, और गाड़ी जो है भाई अपने अलॉय व्हील पे चल रही है। आई मीन जो गाड़ी का रिम होता है उसके ऊपर अपनी गाड़ी आ चुकी है, और अपनी टाटा सफारी देखो गाइस ये तो हवा में लटक गई है, तो अब तो ये भाई यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलने वाली है। तो गाइस अपनी टाटा सफारी तो यार अपने आज के चैलेंज में यहाँ पे फेल हो चुकी है। तो गाइस जो अपनी नेक्स्ट कार है वो है अपनी हुंडई की अल्काज़ार। तो देखते हैं अपनी अल्काज़ार यहाँ पे पार कर पाएगी या नहीं। तो ये चली अल्काज़ार, और गाइस अल्काज़ार के भी टायर पंचर हो चुके हैं भाई सारे के सारे, और गाड़ी की जब टायर पंचर हो जाते हैं ना तब गाड़ी मतलब बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर पाती है गाइस, मतलब बिना टायर के आप देख सकते हो गाड़ी जो है एकदम होती है ना भाई विकलांग हो जाती है, और वैसा ही कुछ हो भी रहा है। मतलब इतनी पावरफुल कार आप देख लो भाई बिना टायर के भाई कैसा परफॉर्म कर रही है। अब तो मेरे को लग नहीं रहा है कि अपनी अल्काज़ार भी जो है ना इन स्पीड बम को भाई पार कर भी पाएगी, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग में ही भाई गाड़ी के टायर पंचर हुए थे। और गाइस तो आई थिंक से मेरे को लग रहा है कि अपनी अल्काज़ार भी गाइस अपना जो चैलेंज है वो नहीं कर पाएगी, बिकॉज आप खुद देख सकते हो यार गाड़ी की हालत यहाँ पर कैसी हो गई है। तो गाइस बढ़ते हैं यार अभी नेक्स्ट कार की तरफ, क्योंकि इसके साथ में ट्राई करना भाई टाइम ऑफ वेस्ट होने वाला है। तो गाइस जो अपनी अगली कार है वो है अपनी न्यू वाली महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, और देखते हैं भाई जो अपनी बिग डैडी एसयूवी है वो यहाँ पे भाई कैसा परफॉर्म करती है। तो ये चली भाई बिग डैडी एसयूवी, और गाड़ी के टायर पंचर हो चुके हैं गाइस, चारों टायर आई थिंक से पंचर हो गए हैं, और आप देख सकते हो भाई स्कॉर्पियो एन तो भाई गलती हो गई है, ये तो अभी क्या ही बोलूँ मतलब ऐसे एंगल पर हो चुकी ना कि बाहर ही निकल ली है, फिर भी देखते हैं पार कर पाती है नहीं। और गाइस आप लोग देख सकते हो भाई अपनी स्कॉर्पियो एन के टायर पंचर है, उसके बावजूद भाई अपनी स्कॉर्पियो एन जो है भाई अपना चैलेंज करती जा रही है। ओके तो यहाँ पे दो टायर इसके पंचर हो चुके हैं बुरी तरह, मतलब दोनों टायर जो है ख़त्म हो गए हैं, बस दो टायर पे अभी गाड़ी चल रही है, और मुझे नहीं पता है ये दो टायर जो है भाई किस लिए बच गए हैं सही सलामत, शायद से भाई कुछ तो पंगा है। पर आप लोग देखो गाइस भाई अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन दो टायर के बल पे जो है भाई इतने खतरनाक स्पीड बम को पार करते हुए जा रही है गाइस, मुझे यकीन नहीं हो रहा है मतलब सच्ची में। ओ तो गाइस अपनी भाई स्कॉर्पियो एन ने भाई अपना चैलेंज यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लिया है, पर गाड़ी की हालत देखो यार बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, और इसके दो टायर ही सही सलामत बचे हैं और दो टायर तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं। तो गाइस अभी बढ़ते हैं अपनी अगली कार की तरफ। गाइस जो अपनी नेक्स्ट कार है वो अपनी महिंद्रा की अल्ट्रा G4। तो देखते हैं यार अपनी G4 यहाँ पे अपना चैलेंज कर पाती है नहीं। तो ये चली G4, और गाइस ये मैं क्या देख रहा हूँ भाई G4 तो स्टार्टिंग में ही अटक चुकी है भाई, ये गाड़ी की ना लेंथ बहुत ज़्यादा है ना तो इसीलिए इसको दिक्कत हो रही है गाइस, और आप देख सकते हो यार ये तो हवा में लटक गई है, और इसके टायर भी पंचर हो रखे हैं, मतलब पहले वाले स्पीड में इतना ख़तरनाक है कि उसने टायर ही पंचर कर दिए। तो गाइस आप लोग देख सकते हो यार अल्ट्रा G4 यहाँ पे भाई ट्राई तो पूरा कर रही है, मतलब नो डाउट गाड़ी के इंजन में पावर तो बहुत ज़्यादा है, और आप देख सकते हो भाई कौन कौन से टायर पंचर हुए हैं। ओके अभी तक एक ही टायर पंचर हुआ है, तो अभी भी ये कर सकती है, और अभी दोबारा से टायर पंचर हो गए हैं गाइस, और मेरे को मतलब यकीन नहीं हो रहा है भाई गाड़ियां ये चैलेंज कैसे करेंगी यार, मतलब यकीन ये नहीं हो रहा है कि चैलेंज इतना हार्ड है कि गाड़ियों के लिए आप देख सकते हो कितनी प्रॉब्लम हो रही है। और लाइट अपनी अल्ट्रा G4 यहाँ पे जो है भाई स्ट्रगल कर रही है, और आप लोग देख सकते हो गाड़ी भाई सब यहाँ पे बिना टायर के, मतलब एक होती है ना कि बेसहारा है, मतलब कोई भी सहारा नहीं बचा है अभी इसके पास, और आप लोग देख सकते हो अपनी अल्ट्रा G4 जो है गाइस वो नहीं कर पाएगी भाई, मैं कितना भी ट्राई कर लूँ ना तब भी ये जो कार है ना वो नहीं कर पाएगी। एक टायर ये भी सही सलामत बचा है, बाकी के जो तीन टायर आप देख सकते हो भाई सब पंचर हो चुके हैं, तो एक टायर से तो मेरे को नहीं लग रहा है ये कार जो अपना चैलेंज है वो करने वाली है।
तो गाइस अपनी अल्ट्रा जैसी कार जो कि मतलब इतनी ज़्यादा भाई पावरफुल है G4, और वो सोचो नहीं कर पा रही है, तो बाकी गाड़ियों का क्या होगा, तो पता नहीं है भाई क्या होने वाला है। तो आओ चलो गाइस देखते हैं क्या होता है उनके साथ में। तो गाइस अभी बारी अपनी महिंद्रा बुलेरो की, तो देखते हैं बुलेरो कर पाती है नहीं। तो ये चली बुलेरो, और बुलेरो के टायर पंचर हो चुके हैं यहाँ पे। ओके तो गाइस भाई बुलेरो फंस गई है, थोड़ा पीछे लेते हैं एक बारी एंड दोबारा लेके चलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस अपनी जो बुलेरो है भाई बहुत सही जा रही है, गाड़ी के टायर पंचर हो चुके हैं उसके बाद भी आप देखो भाई अपनी बुलेरो काफ़ी बढ़िया जा रही है। ओह मेरे को यकीन नहीं हो रहा है गाइस, भाई बुलेरो को देखो यार, ओहो गाड़ी हालांकि काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल टाइप की है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसको गड्ढे सड्ढे लग रहे हैं, वो इसीलिए है क्योंकि आप देख सकते हो भाई एक तो स्पीड बम्प है और ऊपर से इनमें स्पाइक लगे हुए हैं जिसकी वजह से गाड़ी के टायर पंचर हो जाते हैं। पर उसके बाद भी देखो गाइस अपनी बुलेरो ने भाई अपना जो चैलेंज है वो यहाँ पे पूरा कर दिया है, हालांकि इसके चारों टायर पंचर हो गए, उसके बाद भी आप देख सकते हो जो गाड़ी है वो अपना पूरा चैलेंज कंप्लीट कर चुकी है और एक टायर तो बिल्कुल ही भाई खत्म ही हो गया है। तो गाइस जो अपनी अगली कार है वो अपनी XUV 700, तो देखते हैं XUV 700 कर पाती या नहीं। तो ये चलिए XUV 700, और स्टार्टिंग में ही दिक्कत। ओके आई थिंक से मेरे को स्पीड में लेके जाना चाहिए, और गाइस आप देख सकते हो गाड़ी के टायर पंचर हो चुके हैं भाई, पहले वाली स्पीड ब्रेकर पर ही टायर पंचर हो जाते हैं गाइज, और गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। और गाइज आप देख सकते हो भाई XUV 700 के चारों टायर पंचर हो चुके हैं, और अब देखना होगा क्या ये इसको पार कर पाएगी, क्या लग रहा है गाइज, आओ देखते हैं। वैसे गाड़ी में पावर तो बहुत ज़्यादा है, पर बिना टायर के पावर भी गाइज क्या ही करेगी, आप कुछ सोचो भाई, तीन टायर पूरे ख़त्म हो गए हैं, चौथा टायर पंचर है, और थोड़े बहुत ही उसके अंदर रबड़ बची है टायर की, वो भी थोड़ी देर में भाई जल के ख़त्म होने वाली है। क्या लगता है गाइस कि XUV 700 कर पाएगी? वैसे जिस हिसाब से मतलब लग रहा है ना, मतलब ज़्यादातर भाई सूत्र के मुताबिक यही लग रहा है कि ये गाड़ी नहीं कर पाएगी। आप देख सकते हो गाड़ी का बम्पर ऑलरेडी भाई आगे वाले स्पीड ब्रेकर में टकरा रहा है, और इसी वजह से गाड़ी जो है भाई पार नहीं कर पाएगी, क्योंकि भाई टायर की वजह से आपको पता ही है गाड़ी की हाइट पर बहुत फ़र्क पड़ता है, और उसी वजह से अपनी XUV 700 का बम्पर टकरा रहा है। तो गाइस अपनी XUV 700 भी यार अपना जो चैलेंज है वो नहीं कर पाएगी। तो अभी बढ़ते हैं गाइस अपनी अगली कार की तरफ। तो गाइस अभी बारी अपनी फोर्ड एंडोवर की, तो देखते हैं फोर्ड एंडोवर कर पाती है नहीं। तो ये चली फोर्ड एंडोवर, शुरुआत में दिक्कत, गाड़ी के टायर पंचर हो गए हैं गाइस, और चारों टायर पंचर हो चुके हैं, पर फिर भी देखो भाई अपनी फोर्ड एंडोवर काफ़ी ज़बरदस्त जा रही है, ओहो बहुत बढ़िया, और काफ़ी कम टाइम लगाएगी गाइस इसे पार करने में, हालांकि गाड़ी के चारों टायर पंचर है, फिर भी देखो भाई कितने आराम से भाई अपनी फोर्ड एंडोवर अपना चैलेंज करती आ रही है, और बम्पर इसका भी भेड़ा है गाइस, बम्पर इसका भी भेड़ा है, और देखो भाई चारों टायर पंचर थे और एक टायर की पूरी रबड़ जो है मतलब टायर आई मीन कट चुका है, पर उसके बाद भी अपनी फोर्ड एंडोवर ने अपना जो चैलेंज है वो बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर दिया। तो अभी बढ़ते हैं गाइस अगली कार की तरफ। तो गाइस अभी बारी अपनी लेजेंडर की, तो देखते हैं यार अपनी लेजेंडर कर पा दिया नहीं। तो ये चली लेजेंडर, और लेजेंडर को भी दिक्कत हो गई गाइस, स्टार्टिंग में आप देख सकते हो गाड़ी के टायर पंचर हो चुके चारों के चारों, उसके बाद भी देखते हैं पार कर पाती है नहीं। और लाइट गाइस आप देख सकते हो भाई लेजेंडर काफ़ी ज़्यादा सही जा रही है, हालांकि थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और अभी एक टायर तो ख़त्म ही हो गया पूरा, अभी भी तीन टायर मतलब बचे हैं, पर वो भी पंचर है गाइस। और उसके बाद भी देखो भाई गाड़ी काफ़ी सही जा रही है यहाँ पे। ओके ओ गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत सी हो रही है, मतलब मेरे को यकीन नहीं हो रहा है भाई, लेजेंडर को देखो कितनी प्रॉब्लम हो रही है, इतनी ऊँची कार को भाई कितनी दिक्कत हो रही है। ओहो चल 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 चलो गाइस फाइनली भाई अपनी लेजेंडर ने भी अपना चैलेंज कर लिया है, और इसका भी मतलब सेम ही हाल है, मतलब चारों टायर पंचर है, एक टायर पूरा ख़त्म हो गया है, पर अच्छी बात यह है कि अपनी लेजेंडर ने अपना जो चैलेंज है वो कंप्लीट कर दिया है। तो गाइस अभी बारी है अपनी न्यू वाली इनोवा क्रिस्टा 2.7Z की, और गाइस जिसको नहीं पता है 2.7 क्या है, तो गाइस ये भाई 2022 का भाई न्यू मॉडल है अपने इनोवा क्रिस्टा का, तो देखते हैं कर पाती है नहीं। तो ये चली इनोवा क्रिस्टा, और गाइस इसके भी चारों टायर पंचर हो गए शुरुआत में ही, और ओ गाइस गड़बड़ भाई, इसके तो दो टायर की जो मतलब रबड़ है ना पूरी ख़त्म, तीन टायर की जो रबड़ है वो जा चुकी है, एक टायर पे ही बस मतलब एक रिम है उसमें ही थोड़ा सा टायर बचा है, वो भी थोड़ी देर बाद ख़त्म ही हो जाएगा। और क्या लग रहा है गाइस अपनी इनोवा क्रिस्टा कर पाएगी? वैसे भाई गाड़ी पावर तो बहुत लगा रही है, ठीक है पावर आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा लगा रही है, पर मैंने क्या बताया था कि गाड़ी के टायर पंचर होने से ना गाड़ी की हाइट पे फ़र्क पड़ता है, और वहीं हो भी रहा है, आप देख सकते हो अपनी इनोवा जो है भाई पावर तो बहुत है नो डाउट, पर गाड़ी की हाइट कम हो गई है गाइस, अभी देखते हैं कर पाती है नहीं। और आप लोग देख सकते हो गाइस भाई गाड़ी को कितनी मशक्क़त करनी पड़ रही है यहाँ पर चलने के लिए, और भाई अपनी इनोवा काफ़ी ज़्यादा आगे तक आ चुकी है,
और अब तो गाइस ये फंस गई यार, अब तो बहुत बुरी तरीके से फंसी है, निकल भी नहीं पाएगी क्योंकि आप देख सकते हो ऑलमोस्ट जो भाई 3 या 4 टायर हवा में है ना, उस वजह से गाड़ी चल भी नहीं पा रही है, ना आगे जा रही है ना ही पीछे जा रही है। तो गाइस अपनी इनोवा ने काफ़ी अच्छा भाई ट्राई करा है, पर अनफॉर्चुनेटली हमें बोलना पड़ेगा कि यार अपनी इनोवा भी जो है नहीं बोलना पड़ेगा गाइस, अभी भी ये कार कर सकती है भाई। मेरे को नहीं पता है ये गाड़ी रुक रुक के ऐसा पावर से क्यों लगा रही है, पर आप देख सकते हो इनोवा ने भाई एक स्टेप कंप्लीट तो करा था, क्या ये पूरा कर पाएगी गाइस? आई थिंक से मेरे को लग रहा है नहीं कर पाएगी, बहुत मुश्किल है यार। आप देखो गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो गाइस अपनी इनोवा भी भाई अपना चैलेंज नहीं कर पाएगी। हालांकि मेरे को लग रहा है कर लेगी, पर इसमें बहुत टाइम लगेगा, मतलब घंटों भी लग सकते हैं इसको करने में, क्योंकि बहुत देर ऐसा भाई मशक्कत करनी पड़ेगी गाड़ी से। तो आप लोग गाइस वैसे देख सकते हो गाड़ी जो है मतलब कर तो लेगी, पर बहुत टाइम लेगा और ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की अपनी आदत नहीं है। तो बढ़ते हैं गाइस अभी नेक्स्ट कार की तरफ। गाइस जो अपनी अगली कार है वो अपनी स्कॉर्पियो S11, तो देखते हैं S11 कर पाती नहीं। S11 के भी भाई चक्के जो हैं वो पंचर होने लगे हैं गाइस, गाड़ी के टायर पंचर हो गए हैं, चारों टायर पंचर हो चुके हैं। अब देखना ये होगा अपनी स्कॉर्पियो S11 ये चैलेंज को कर पाएगी या नहीं। और आप लोग देख सकते हो S11 के चारों टायर पंचर होने के बावजूद गाड़ी काफ़ी सही जा रही है भाई, क्या लग रहा है कर पाएगी? आई थिंक से कर जाएगी, पर गाड़ी को भाई कंट्रोल करना बहुत हार्ड हो रहा है, क्योंकि गाड़ी जो है ना भाई मतलब जब रिम पे आ जाती है ना तो गाड़ी फिसलती बहुत है, और उसी वजह से आप देख सकते हो गाड़ी भाई पूरा ट्रैक के बाहर ही निकली जा रही है, मतलब इतना कंट्रोल कर रहा हूँ मैं उसके बाद भी। और अपनी S11 अभी तक तो काफ़ी सही जा रही है भाई, देखते हैं आगे भी कर पाती। ओ गाइस अभी तो भाई टायर मतलब क्या ही बोलूँ, एक ही टायर बचा है वो भी पंचर है, बस उसका मतलब जो टायर है ना वो मतलब फटा नहीं है, और बाकी 3 टायर गाड़ी के रिम पे आ चुके हैं, मतलब रिम पे हो चुके हैं 3 टायर, और एक ही टायर में मतलब एक ही रिम में टायर बचा है और वो भी पंचर है गाइस। तो आप लोग देख सकते हो अपनी स्कॉर्पियो S11 भी गाइस जो है भाई अपना चैलेंज यहाँ पे पूरा कर चुकी है। तो बढ़ते हैं अगली कार की तरफ। तो गाइस जो अपनी अगली कार है वो अपनी न्यू वाली मारुति सुजुकी ब्रीजा, तो देखते हैं अपनी ब्रीजा कर पाती है नहीं। वैसे दिखने में तो काफ़ी छोटी है, मतलब काफ़ी छोटी SUV कार है ये, और देखते हैं भाई ये कर पाएगी या नहीं। तो ये चली ब्रीजा, और ब्रीजा के भी चारों टायर पंचर हो गए हैं गाइस, क्या लग रहा है कि ये कर पाएगी भाई? अब देख सकते हो बम्पर तो भिड़ने लगा है आगे वाले स्पीड ब्रेकर में, मतलब गाड़ी के टायर की हवा निकल गई है, तो ऑब्वियस ही बात है गाड़ी की जो हाइट है वो नीचे हो ही जाएगी। और गाइस आप देख सकते हो यार, ओ भाई ब्रीजा के तो टायर भी फटने लगे गाइस। ओके चल चल चल। ओ गाइस भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ब्रीजा भाई चारों टायर पंचर होने के बाद भी काफ़ी सही जा रही है। ओके देखते हैं पूरा कार कर पाएगी या नहीं, पार पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। और गाइस आप देख सकते हो भाई अपनी ब्रीजा जो है, ओहो चल चल काफ़ी सही, लेट्स गो। ओ गाइस मुझे यकीन नहीं हो रहा है भाई, ब्रीजा जैसी कार जो है वो मतलब काफ़ी आगे तक आ गई है, लेट्स गो। हालांकि इसके पीछे वाले जो दोनों टायर है ना उसके भाई जो टायर ही पूरे गायब हो चुके हैं, बस गाड़ी रिम पे चल रही है और आगे के टायर बचे हैं, लो एक और कम हो गया यहाँ पे गाइस। 3 टायर भाई पूरे ख़त्म है, बस एक टायर बचा है वो भी पंचर है, उसमें हवा नहीं है, बस ऐसे ही शोबाजी के लिए लगा है। क्या लग रहा है गाइस ब्रीजा कर पाएगी? वैसे लग तो रहा है भाई कर जाएगी, काफ़ी आगे तक आ चुकी है, लेट्स को देखते हैं पूरा कर पाती नहीं। और भाई मशक्कत तो बहुत करनी पड़ रही है गाड़ी को यहाँ पे, आप देख सकते हो स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा ही करना पड़ रहा है गाइस। ओके आई थिंक से मेरे को लग रहा है पूरी गाड़ी अपना जो चैलेंज है वो पार कर सकती है। ओहो काफ़ी सही जा रही है, चल नहीं दोबारा गड़बड़ हो चुकी है गाइस, लेट्स को। ओके चल चल चल, अरे दोबारा से फंस गई। ओ गाइस अब तो मेरे को लग रहा है भाई कर जाएगी, थोड़ा टाइम लग रहा है पर अपनी गाड़ी कर जाएगी गाइस। ओ भाई अब तो ट्रैक पे ही गड़बड़ हो गई है गाड़ी, मतलब भाई सीधी नहीं हो रही है गाइस। ओ नहीं सीधी हो जा नहीं गाइस, आप देख सकते हो तो गाड़ी के मतलब टायर नहीं है ना तो ग्रिप नहीं बननी है, और इसी वजह से देख रहे हो गाड़ी फिसल ली है। तो गाइस अपनी ब्रीजा वैसे काफ़ी सही मतलब काफ़ी आगे तक आ चुकी है, एक बारी और ट्राई कर लेते हैं ऐसे करके। ओके दोबारा ट्रैक पे आ चुकी है। ओके भाई ब्रीजा ने अपना चैलेंज यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। बीच में एक स्पीड बम इसने स्किप कर दिया था, पर गाड़ी ने भाई इतने सारे पार कर लिए, मतलब एक भी कर ही लेती पर वहाँ पर दिक्कत हो रही थी, और बम्पर देखो गाइस ख़त्म ही हो गया भाई। स्पाइक इतने खतरनाक है ना, मतलब उसमें जो अपने स्पीड बम्पर वो उतने खतरनाक है कि उसमें स्पाइक लगा है, उसमें कांटे हैं, और कांटों की वजह से देखो भाई गाड़ी का बम्पर कैसा हो गया भाई, ऐसा लग रहा है जिस जैसे कि मतलब इस
किसी ने हथौड़े वगैरह से उसको कूटा हो, वो भी बहुत बुरी तरीके से, और अपनी ब्रीजा के टायर चारों ही पंचर हैं, उसके बाद भी भाई अपनी गाड़ी ने अपना चैलेंज कंप्लीट कर लिया। तो गाइस इसी बात पे इस वीडियो को जाके फटाफट से आप लाइक करो और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी करो। तो बढ़ते हैं गाइस अपनी अगली कार की तरफ। तो गाइस अपनी जो अगली कार है वो अपनी टाटा हैरियर, तो देखते हैं हैरियर यहाँ पे भाई कर पाती है नहीं। तो ये चली हैरियर। ओके गाइस आप लोगों को साउंड आ गया होगा, गाड़ी के टायर पंचर हो चुके हैं यहाँ पे। और गाइस अपनी हैरियर आई थिंक से भाई 4x2 में है क्या? हाँ भाई 4x2 है शायद। हाँ गाइस आप देख सकते हो भाई। ओ नहीं मेरे को आज तक ये बात पता ही नहीं थी गाइस कि अपनी टाटा हैरियर जो अपने पास में है वो भाई 4x4 में नहीं है, वो 4x2 में है। और गाइस भाई पीछे वाले टायर हवा में लटक चुके हैं, तो अपनी हैरियर तो अब बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने वाली है गाइस। तो यार अपनी टाटा हैरियर के लिए मेरे को सच्ची में बहुत बुरा लग रहा है। मतलब मेरे को ये बात नहीं पता थी आज तक की कि भाई टाटा हैरियर अपने पास में 4x2 में, मेरे को लगता था 4x4 है, पर एक्चुअल में गाइस अपनी ये टाटा हैरियर 4x2 है। तो अपनी टाटा हैरियर तो गाइस अब ये अपना चैलेंज नहीं कर पाएगी। तो गाइस जो अपनी अगली कार है वो अपनी टाटा सफारी डिकोर, तो देखते हैं डिकोर कर पाती है नहीं। तो ये चली डिकोर, और आप लोगों को साउंड आ ही गया होगा, गाड़ी के टायर पंचर हो चुके हैं यहाँ पे और अभी भी पंचर हो रहे हैं भाई। मतलब इतने सारे स्पीड बम्प है ना कि एक भी टायर यहाँ पे बच पाना बहुत मुश्किल है भाई। एक हाथ से अगर बच भी जाएगा ना तो आगे वाला पंचर कर देगा, और अपनी टाटा वो डिकोर के ऑलरेडी जो टायर है ना वो चारों के चारों पंचर हो ही चुके हैं, पर देखते हैं पार कर पाती है नहीं। वैसे गाड़ी को दिक्कत नहीं हो रही है गाइस यहाँ पे, और यहाँ पे भाई चारों टायर पंचर है। ओके दो टायर ख़त्म हो गए हैं बुरी तरीके से, दो टायर सही सलामत तो नहीं है पर वो भी पंचर ही है। आप लोगों को दिखने में अच्छे लग रहे होंगे पर एक्चुअल में उनकी हवा निकल चुकी है गाइस, और अगर थोड़ी देर ऐसा ही चलता रहा तो शायद उनकी भी जो रबड़ है ना वो पूरी कट जाएगी। पर मेरे को लग नहीं रहा है वो चीज़ होने वाली है क्योंकि अभी थोड़े से ही स्पीड बम्प बचे हैं। और यहाँ पे गाइस अपनी टाटा है जो टाटा सफारी डिकोर है भाई, उसने भी चैलेंज कंप्लीट कर लिया। मैं अभी टाटा सफारी मतलब टाटा हैरियर बोलने वाला था, पर पता नहीं मेरे दिमाग में पता नहीं आजकल क्या ही चल रहा है। तो गाइस आप देख सकते हो अपनी जो डिकोर है भाई उसने भी अपना चैलेंज कर लिया है, पर इसका भी स्पीड बम मतलब स्पीड बम कह रहा हूँ जो अपना बम्पर है वो देख सकते हो बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे डैमेज हो गया है। तो गाइस अभी बारी है अपनी ऑफ रोडिंग किंग महिंद्रा थार की। और हाँ गाइस आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना कि आज का अपना जो वीडियो का टॉपिक था वो आप लोगों को भाई कितना यूनिक लगा, क्योंकि आई थिंक से मेरे को लग रहा है भाई अभी तक GTA 5 में भाई ऐसा चैलेंज तो भाई किसी ने भी नहीं करा है अपनी इंडियन कार से। आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को जो मेरा आइडिया है वो आज का भाई कितना ज़्यादा यूनिक लगा और कितना अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो गाइज प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो एंड चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब भी करो। और हाँ कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों को इस वीडियो को देख के भाई मज़ा आया है नहीं। एंड बाकी आप लोग देख सकते हो गाइज अपनी जो थार है उसके चारों टायर पंचर हो चुके हैं ऑलरेडी, पर गाड़ी देखो भाई हार नहीं मान रही है। मतलब यार ये भाई कार के तो कोई भी संभव ही नहीं है भाई। अभी देख सकते हो भाई दो टायर पूरे ख़त्म हैं, दो टायर बचे हैं पर वो भी पंचर ही है। और उसके बाद भी देखो गाइस अपनी थार जो है भाई अपना चैलेंज कर रही है, और लो अभी तो तीन टायर भाई पूरे ख़त्म हो गए और एक ही बचे हैं गाइस, और स्पीड बम भी ज़्यादा नहीं बचे, थोड़े से बचे हैं। एंड लेट्स को आई थिंक से पूरा कर सकती है अपनी जो क्या बोलते थार है। और गाइस फाइनली आप देख सकते हो भाई अपनी थार ने अपना जो चैलेंज है वो यहाँ पर पूरा कर दिया है। पर देखो गाइस मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था, आप देख रहे हो गाड़ी जो है ना भाई कहाँ ब्रेक मार रहा हूँ कहाँ जाकर रुक रही है, क्योंकि मतलब जब गाड़ी रिम पे चलती है ना तो ऑब्वियसली बात है स्केट मारती ही मारती। देख रहो गाड़ी के ब्रेक मैंने लगा रखे फिर भी देखो कितनी दूर जाके रुक रही है अपनी कार। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो भाई ये वो सभी गाड़ियाँ हैं जिन्होंने अपना चैलेंज कम्प्लीट करा है, और बाकी जो गाड़ियों ने नहीं कर पाया है वो यहाँ की तरफ खड़ी है। और ये है भाई अपनी G4 है, अल्कज़ार है, टाटा सफारी भी है, और XUV700 भी है, और टाटा हैरियर है। इन सभी गाड़ियों ने भाई अपना चैलेंज नहीं करा है, और बाकी इन सभी गाड़ियों ने अपना जो चैलेंज है गाइस वो पूरा कर लिया है। एंड बाकी गाइस आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों की वीडियो ज़रूर से अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना क्योंकि तुम्हारे भाई को बहुत मेहनत लगती है गाइस ऐसी वीडियो बनाने में। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग लाइक ज़रूर से कर दोगे, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लो। तो गाइस तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।